अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना, महत्वपूर्ण है लेकिन ये आसान काम है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है और इंडिया में उनकी भागीदारी का सवाल है, तो बिल्कुल इसको ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। तीन जो इंडिया की बैठक हुई, पहली बैठक पटना में हुई, नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के तौर पर उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, तो पटना में तो वो हुआ नहीं। फिर नीतीश जी की आशा अपेक्षा थी कि बॉम्बे में ये हो जाएगा, सॉरी बेंगलोर में होगा, तो जो बेंगलोर में बैठक हुई उसमें संयोजक की तो कोई चर्चा हुई नहीं, इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई। उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे, जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई, तो आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, चाहे आपको कुछ भी कहें, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वो तो उनको मिल नहीं रहा।